दुनिया भर में डिजिटल घड़ियां बनी हैं, तब से पुरानी डिजाइन वाली एनालॉग क्लॉक का वक्त चला गया है। हालांकि उन घड़ियों का डिजाइन काफी आकर्षक होता है और आज भी लोग प्रोफेशनल दिखने के लिए एनालॉग वॉच का ही प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि सुई वाली घड़ियों का डिजाइन एक समान होता है, एक जैसा ही होता है। इसीलिए आपने सभी घड़ियों में एक चीज तो जरूर गौर की होगी, वो ये कि हर घड़ी में मिनट वाली सुई बड़ी होती है और घंटे वाली सुई छोटी। लेकिन कभी आपने इस बात को जानने या फिर समझने की कोशिश की है, इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं जानते होंगे आप। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं इसके पीछे की वजह। बच्चों को काफी कम उम्र से ही घड़ी देखना सिखाया जाता है। याद है ना कि भूल गया, आपको भी घड़ी दिखना सिखाया गया होगा। बच्चों को पहले घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई में फर्क करना भी सिखाया जाता है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एक झटके में देखकर बता देते हैं कि अभी समय क्या हुआ है। बड़े होते होते लोग इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि बिना नंबरों वाली घड़ियों में सिर्फ सुई की चाल देखकर बता देते हैं कि अभी वक्त क्या हुआ है, क्या टाइम हुआ है। ऐसे में समय को आसान तरीके से बताने और देखने के लिए ही दोनों सुई के साइज में फर्क किया जाता है। मिनट वाली सुई का काम होता है अंकों के बीच के छोटे कदमों को नापना, यानी कि मिनट। मिनट वाली सुई का काम है कि वो प्रत्येक मिनट की जानकारी दे। अगर वक्त हो रहा है 3:37, तो घड़ी देखने वालों को पता होना चाहिए कि 37वां मिनट चल रहा है। उसे देखने के लिए मिनट वाला कांटा लंबा होता है जो ठीक से मिनट की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं घंटे वाले कांटे की। दरअसल दूसरी ओर घंटे वाले कांटों को छोटा बनाने के दो कारण हैं। पहला ये कि उसे मिनट वाले कांटे से फर्क करने के लिए ही छोटा किया जाता है, जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाए। और दूसरा कारण ये है कि घंटे वाली सुई के कदम बहुत ही धीमे होते हैं। वो अगर दो अंकों के बीच भी होगी तो उसे देखकर समय का पता लगाया जा सकता है। घड़ी की छोटी सुई अगर 2 और 3 के बीच होगी तो भी लोग समझ जाएंगे कि अब 3 बजने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि कांटा किसी एक अंक पर ही हो। एक कारण ये भी होता है कि अगर घड़ी रुक जाती है तो घड़ी के बटन को घुमाकर मिनट वाले हाथों को घुमाया जाता है। घंटे वाला हाथ साथ में चलता है। अगर मिनट वाला हाथ छोटा होता तो वो घंटे वाले कांटे से टकरा जाता और उसे आसानी से घुमाया नहीं जा सकता था। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।